मान्य सभासदो, मान्य उपसभापति जी। नाउ पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल, श्रीमती सुषमा स्वराज। जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या एक पर उल्लिखित कागजात मेरे नाम के आगे जो लिखे गए मैं सदन के पटल पर। श्री कलराज मिश्रा। आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या दो पर मेरे नाम से उल्लिखित कागजात को मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माई नेम इन सीरियल नंबर 3 इन टूडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ द बिल। श्री आनंद गीते। उपसभापति जी, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री जी एम सिद्धेश्वर जी के नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर दर्शाए गए सूचीबद्ध कागजात को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। श्री कृष्ण पाल। महोदय, मैं आज की कार्यकारिणी सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री बाबुल सुप्रिया। परमिशन आई राइज टू ले द पेपर्स लिस्टेड इन माय नेम एट सीरियल नंबर 6 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू। श्री विजय सांपला। विजय सांपला नॉट प्रेजेंट। श्री आनंद गीते। आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 पर अपने नाम के सामने दर्शाए गए सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाउ रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013। श्री अनिल माधव दावे। महोदय, मैं राज्यसभा में पुनर्स्थापित रूप से भू संपदा विनिमय और विकास विधेयक 2013 संबंधी प्रवर समिति का यह प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री सतीश चंद्र मिश्रा। सर, विद योर परमिशन आई प्रेजेंट द 86th रिपोर्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2015। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट। श्री अनिल देसाई। सर, विद योर परमिशन आई बेग टू ले फर्दर एक्शन टेकन स्टेटमेंट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट एज लिस्टेड अगेंस्ट माई नेम इन टूडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। नाउ स्टेटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट। श्री अनिल देसाई। स्टेटमेंट ऑल्सो ले ऑन द टेबल। सर, विद योर परमिशन आई बेग टू ले द 7th रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट एज लिस्टेड अगेंस्ट माई नेम इन द टूडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। स्टेटमेंट बाई मिनिस्टर जनरल रिटायर्ड श्री वी के सिंह। नॉट प्रेजेंट। Now statement by Minister Sri Rajnath Singh to make a statement on terrorist attack in Gurdaspur, Punjab. No. Not allowed. Sir, ye kya hai? What is going on? Gurdaspur, Punjab. Sir, ye Gruh Mantri ji ko aapne call kiya hai. सेना की यूनिफॉर्म में सी ऑनरेबल मेंबर्स, दिस इज अ स्टेटमेंट। सी, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑन टेररिस्ट अटैक। द एनडीआर नेशन इज कंसर्न्ड अबाउट। वी वांट टू हियर इट। यू लिसन एंड हियर। भारतीय चार नंबर P09B। ऊंची आवाज में पढ़ो। पर गोलीबारी कुमार घायल हुए। सब इंस्पेक्टर जो पुलिस स्टेशन जब बाहर निकले आतंकवादियों द्वारा फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। आतंकवादी गोलीबारी करते हुए हवलदार राम पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि आतंक
आतंकवादी के अंदर प्रवेश न करने का, अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस स्टेशन के बगल में किरण अस्पताल में तीन मरीज भी गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई। इस दौरान आतंकवादी पुलिस स्टेशन के तत्काल पुलिस स्टेशन उसके उपरांत आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के संचालन निगरानी के लिए पंजाब पुलिस अधिकारियों की स्थल पर पहुंच गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के फलस्वरूप कम से कम आतंकवादियों को भागने से रोकने तथा उन्हें जिंदा पकड़ने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा लगातार हर प्रयास जारी रखे गए। अंत में इस सफल ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारी श्री बलजीत सिंह एसपी डिटेक्टिव गुरदासपुर आतंकवादियों का हमला करते हुए शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने मृत आतंकवादियों से 3 AK-47 मैगजीन और 2 CPF सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है। मैं पंजाब पुलिस द्वारा किए गए इस सफल ऑपरेशन की हृदय से सराहना करता हूं और पंजाब पुलिस सरकार की तरफ से सभापति महोदय GPF डाटा के प्रारंभिक संकेत मिले हैं कि आतंकवादियों ने गुरदासपुर जिले के जहां रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है से घुसपैठ। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू प्रधान को रेल मार्ग पर दीना नगर और छकोल नदी के बीच तलबंदी स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में रहा है। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिए आर्मी और NSG को विकल्प के रूप में तैयार रखा गया है। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री पंजाब से भारत की एवं केंद्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी को सीमा पर हाई अलर्ट रखा गया। इस आतंकी हमले में 3 नागरिक, 3 होमगार्ड के जवान एवं एक पुलिस अधिकारी से कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई और इसके अतिरिक्त 10 नागरिक और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि विगत 1 माह में जम्मू और कश्मीर सीमा पर घुसपैठ के कुल 5 प्रयास किए गए, जिसमें 8 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करते हुए 4 प्रयासों को विफल कर दिया गया। घुसपैठ की शेष 1 अन्य घटना में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण वापस लौटना पड़ा। भारतीय सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सतर्क रहती है, परंतु कठिन भौगोलिक परिस्थितियां एवं मूसलाधार बारिश होने से सीमा क्षेत्र की नदियों एवं नहरों में अत्यधिक तेज बहाव के कारण एक आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस पाने में सफल हुए होंगे। उपसभापति महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत की एकता एवं अखंडता तथा देश के नागरिकों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के देश के दुश्मनों के किसी भी प्रयास का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित एवं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार आतंकवाद से दृढ़ता लड़ाई से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमा पार से चलाए जा रहे सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए
हर संभव प्रयास करेगी। उपसभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से सभी मृत नागरिकों एवं वीरगत को प्राप्त हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। The 31st of July 2015, at 11 a.m. on Friday, 31st July.